Hello students and welcome to my YouTube channel. This is your accounting instructor Waleed Khan. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो रिलेटेड है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से जो मैं पिछले दो साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ. बेसिकली मैं प्लान कर रहा था कि एक ऐसी एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके ऊपर सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं बल्कि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का भी सोल्यूशन आप लोगों के पास मौजूद है. अच्छा, अब इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसको मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ईयर्स भी अपने स्पेंड करे इसकी रिसर्च पे एंड देन फिर इसकी डेवलपमेंट पे, और आज फाइनली ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये लॉन्च होने वाला है और इसका नाम है आईवी ऑनलाइन. अब इस प्रोजेक्ट के अंदर है क्या, इस एजुकेशनल एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअल में है क्या? देखो, सिर्फ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ही नहीं, बच्चे को तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. उसको इंग्लिश पढ़नी होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ना होता है, इस्लामियत पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स, यू नेम इट. तो अब हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर आपके लिए ये तमाम सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे एंड लाइक मी सारे जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ग्रेड ओरिएंटेड टीचर्स. इस एप्लीकेशन में सबसे ख़ास बात है यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स को प्रिपेयर किया गया है वो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है कि बच्चे की हर एक एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे कवर किया है. और सबसे ख़ास बात ये है कि आप अपने पेस के मुताबिक यहाँ पे अपने तमाम लेक्चर्स को देख सकें. अच्छा, अब यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से कि आप लोगों के पास लेट सपोज या तो तुम लोग कोई ओ लेवल्स की स्ट्रीम में होगे या AS लेवल कर रहे होगे या A2 लेवल कर रहे होगे. नाउ लेट सपोज तुम एक ओ लेवल के स्टूडेंट हो तो इस एप्लीकेशन से तुम कैसे हेल्प ले सकते हो? सबसे पहले तो तुमने जाना है इस एप्लीकेशन के ऊपर और अपने ओ लेवल्स को क्लिक करना है. जैसे ही तुम ओ लेवल्स को क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास सामने तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, एटलीस्ट ये 13 सब्जेक्ट्स हैं ओ लेवल्स के जो हम ऑफर कर रहे हैं, सारे तुम्हारे सामने लिस्ट डाउन हो जाएंगे. अब जाहिर सी बात है तुमने ये 13 के 13 सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ने, लेकिन इनमें से 5 सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स तो तुम लोग पढ़ रहे हो. अब तुम लोगों ने करना क्या? देखो, जाहिर सी बात है तुम्हारे पास चॉइस है कि इन 13 सब्जेक्ट्स में से तुम जो भी कंपलसरी के अलावा जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स यहाँ से ऑप्ट कर सको. अब यहाँ पे तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स की ऑप्शन होगी. लाइक इवन इन अकाउंटिंग आपके पास सिर्फ मैं ही अवेलेबल नहीं होगा बल्कि और भी मुझसे ज़्यादा बेहतर टीचर्स भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होंगे. अब आपकी मर्जी है, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो. तो सर, क्या हम सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे? नहीं, ये आपके पास जब तक एप्लीकेशन मौजूद रहेगी आप इन, अगर लेट सपोज अकाउंटिंग के अंदर 3 टीचर्स हैं तो आप तीनों टीचर से 3 बार अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं. कितने मजे की बात है. इसी तरीके से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी मल्टीपल टीचर्स की आपके पास ऑप्शन होगी और जिस टीचर्स से आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच करेगी आप उससे सुकून से पढ़ लेंगे. अच्छा सर, फिर इसका मतलब अगर इतने सारे टीचर हैं और ये कोर्स कंटेंट इतना ज़्यादा डिटेल में बनाया गया है तो जाहिर सी बात है ये बहुत एक्सपेंसिव भी होगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि आपके लिए एक प्राइस सेट की गई है और उस प्राइस के अंदर आप तमाम सब्जेक्ट्स तमाम टीचर्स से पढ़ सकते हैं. मतलब सर, मतलब ये कि अगर तुम ये ओ लेवल्स की स्ट्रीम को इनरोल कर जाते हो तो तुम्हारे पास पूरे 13 सब्जेक्ट्स का एक्सेस आ जाएगा और उन 13 सब्जेक्ट्स को जितने टीचर्स ने पढ़ाया है उन सब का भी एक्सेस तुम्हारे पास आ जाएगा. है ना मजे की बात. अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जिससे प्रिपरेशन करना चाहो, जो टीचर से तुम्हारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बेहतर मैच होती है तुम उससे पढ़ो. अच्छा, अब इसी तरीके से सेम केस रहेगा AS लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी और सेम केस रहेगा ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी. और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चे आगे जाके ACCA को परस्यू करना चाहते हैं तो ACCA का भी पूरा कोर्स यहाँ पे IB ऑनलाइन पे अवेलेबल होगा. अच्छा, अब इस एप्लीकेशन के अंदर ये तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एड ऑन्स हैं. जैसे कि अगर लेट सपोज आपके पास घर पे इंटरनेट की फैसिलिटी कमज़ोर है या आपके पास जो इंटरनेट है उसकी स्पीड स्लो है तो क्या आपकी जो ये वीडियो लेक्चर्स जो आप देख रहे होंगे क्या वो बफरिंग पे चले जाएंगे, क्या वो मुश्किल से चलेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो सॉफ्टवेयर्स हमने इस्तेमाल करे हैं वो आपके इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक अपनी क्वालिटी को एडजस्ट करेंगे और आप रियल टाइम के अंदर अपने लेक्चर्स को देख सकेंगे. अच्छा, अब एक और मज़े की बात ये कि सर देखें, हम लोगों को ने अगर कोई लेक्चर पढ़ना है स्टार्ट किया और हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई क्वेरी आती है, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस एप्लीकेशन पे पूछेंगे कैसे किसी से? तो याद रखिएगा हर सब्जेक्ट के साथ आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगी सपोर्ट की,
और वहाँ पे आपके पास दो लेयर्स होंगी। नंबर वन लेयर होगी जहाँ पे आपके एटीज आपको हेल्प करेंगे, या फिर अगर उनसे वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो यू विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू दैट सब्जेक्ट टीचर, और फिर वो जो सब्जेक्ट टीचर होगा वो तो जाहिर सी बात है आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर हल कर देगा। अच्छा, आपके दिमाग में फिर एक और सवाल आएगा, ठीक है सर हमने लेक्चर्स भी अच्छे से पढ़ लिए, हमारी कोई क्वेरीज थी वो भी प्रॉब्लम जो थी वो भी तमाम सॉल्व हो गई, और क्या है इस एप्लीकेशन के अंदर? तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को खुद से टेस्ट भी करना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा है क्या वो पास पेपर्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स ने अपने लेक्चर्स बनाए हैं वो बहुत ही डिटेल में लेक्चर बनाए हैं, और उन लेक्चर्स के साथ ही टॉपिकल एंड ईयरली पास पेपर्स भी आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं, और उसके साथ ही टीचर्स ने एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ असाइनमेंट्स और कुछ टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो अगर तुम करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सकता है। सर, इस सब की ज़रूरत क्या थी, इतनी मेहनत जो आपने करी इसकी ज़रूरत क्या? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि OMA लेवल या फिर ACCA जो भी बच्चा करना चाहता है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसानी से और बहुत ही एक मिनिमल या फिर अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर इसको पढ़ सके, क्योंकि आप लोगों को पता है, जाहिर सी बात है कि फीसेस बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जिस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग किसी तरीके से अच्छे टीचर्स से जो कि टॉप ऑफ द लाइन टीचर्स कहलाते हैं आप उन लोगों से पढ़ जाएँ, उसके लिए ये सारी एफर्ट की गई। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर ये जो पेमेंट करनी होगी इसके पैसे किसको देंगे, या ये क्या हम लोगों ने किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने? तो नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। जैसे कि आप अपनी iOS और Android एप्लीकेशंस जो कि पेड एप्लीकेशन होती हैं वो आप परचेज करते हैं थ्रू योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल उसी की तरह ही आप डायरेक्टली इनरोलमेंट पे जाएंगे, और इनरोलमेंट पे जाके जैसे ही आप इनरोलमेंट क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उस अकाउंट के साथ अटैच्ड होगा उससे डायरेक्टली पेमेंट चली जाएगी। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करना कि यार हमने ये अकाउंट नंबर लेना है, ये करना है, वो करना है, गलती से किसी और अकाउंट में पैसे चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये भी आपके लिए बड़ा सिंपल टू स्टेप के अंदर बनाया है, इनरोल नाउ एंड पे नाउ, दो बटन्स आपके सामने आएंगे एंड आपकी पेमेंट हो जाएगी योर ऑर्डर। तो सर, ये जो आप पेमेंट ले रहे हैं क्या ये आप पूरे साल की एक साथ लेंगे बच्चों से इस एप्लीकेशन के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो आप लोग के पास एप्लीकेशन है या आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऑन मंथली बेसिस होगी। सर, मंथली बेसिस ही क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुम ये एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करो और हो सकता है कि भाई तुम्हें ना समझ आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो, वैसे ऐसा नहीं होना, बट जाहिर सी बात है मैंने आप लोग की ये हेल्प करने के लिए एप्लीकेशन बनाई है, तो हम आपसे चार्ज कर रहे होंगे ऑन द मंथली बेसिस ओनली। आप चाहें तो उसको आगे हर मंथ के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप वहीं पर ही उस अपनी सब्सक्रिप्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ये बड़ी सिंपल है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना आपके सामने बहुत सारी स्ट्रीम्स नज़र आ जाएंगी, ओ लेवल्स, AS लेवल, A2 लेवल एंड ACCA की। आप जैसे ही उन स्ट्रीम के अंदर जाते हो तो जो ओपन लेक्चर्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं फॉर डेमो वो आप जाके आराम से देख सकते हैं, और जो कुछ लेक्चर्स आपको वहाँ पे लॉक नज़र आ रहे होंगे वो जाहिर सी बात है आप साइन अप करोगे, और साइन अप करने के बाद जैसे ही आप इनरोलमेंट की तरफ चले जाओगे तो इनरोलमेंट होते ही वो तमाम लेक्चर्स आपके लिए एक साथ ओपन हो जाएंगे। सर, एक सवाल और है हमारे दिमाग में, क्या ये लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ओपन होंगे? नहीं, ये सारे लेक्चर्स आपके पास एक साथ ओपन होंगे, आपकी मर्जी, आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, वो सारा एक्सेस आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर क्या चीज़ ने आपको ऐसा इंस्पायर किया कि आप इस प्रोजेक्ट की तरफ चले गए और आपने इतनी मेहनत करी इस प्रोजेक्ट की? तो देखो यार, जब मैं स्टूडेंट था ना तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ढूंढने में और अच्छे टीचर्स को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट लगानी पड़ी, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे आने वाली जो आगे की जनरेशन है वो इस चीज़ को सफ़र करे। और ये जो चीज़ मैंने आप लोगों के लिए आज बना दी है ना, ये याद रखना कि ये एक मास्टरपीस है, और इससे हर बच्चे की तमाम प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठो और अपनी प्रिपरेशन करो ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की एंड ACCA की, एंड आई गारंटी यू कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, अगर तो आप प्रॉपर तरीके से जैसे नोट्स आप लिख रहे हो, टीचर की बात सुन रहे हो, टीचर जो जो बोलता जा रहा है वीडियो के दौरान वो सारे काम आप करते जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा। अच्छा सर, क्या हमारे पास ये सारी जो क्लासेस हैं इसके अंदर कोई ऐसी क्लास भी होगी जिसमें टीचर से हम डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन कर सकें? तो हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा प्लान करा है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मंथ के अंदर 2-3 सेशंस ऐसे रखे जाएंगे जिसमें आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं या कोई प्रॉब्लम है या आप टीचर से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो टीचर आपके साथ लाइव बैठ के उसमें बातें करेंगे।
अच्छा, आप अक्सर बच्चों के दिमाग में एक और सवाल भी आ रहा है जब मैं ये बातें बता रहा हूँ, तो बच्चे ये सोच रहे हैं तो सर क्या आप YouTube को छोड़ देंगे और YouTube के ऊपर अब आपकी वीडियोस को हम मिस करने वाले हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमेशा की तरह जैसे मैं करता आया हूँ आप लोगों के लिए, फॉर नथिंग मैं डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पे, बैठता हूँ इस अपनी चेयर पे, और इस चेयर पे बैठने के बाद मैं आप लोगों को ईयरली पासवर्ड सॉल्व करवा रहा होता हूँ, आपकी जो क्वेरीज हैं उन सबको डील कर रहा होता हूँ। तो आई विल कंटिन्यू दैट, और वो बिल्कुल चलता रहेगा और जब तक जान रही इंशाल्लाह ताला तो मैं उसको करता रहूँगा। लेकिन जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को जब तुम लोग डाउनलोड कर लोगे तो तुम लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मेरी जितनी मेहनत है, जो आप लोगों ने यहाँ पे भी मेरी YouTube पे भी देखी है, यही मेहनत सारी मैंने वहाँ पे भी लगाई है। अच्छा, याद रखिएगा ये कोई Zoom रिकॉर्डिंग्स नहीं है। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो हो सकता है कि आपकी टीचर्स की ने Zoom रिकॉर्डिंग्स की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो एक कंट्रोल्ड स्टूडियो एनवायरनमेंट के अंदर बनाए गए हैं, और इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं कि तमाम लेक्चर्स हर एक बच्चे को सुकून से, अच्छे से, ईजिली अंडरस्टैंड हो सकें। ये लेक्चर्स डायरेक्टली टीचर ने कैमरे में देख के, आप लोगों से डायरेक्ट बात करके ये लेक्चर्स बनाए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लेक्चर्स के अंदर आपको कोई भी ऐसा इशू होने वाला है कि आपको लगे कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी के Zoom के वो सेकेंड हैंड क्लासेस हमें ये दे रहे हैं किसी पैसे के अंदर। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, बल्कि ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं, और ये तमाम लेक्चर्स जो हम आपको देंगे, या फिर ये तमाम लेक्चर्स जो हम लोगों ने क्रिएट करे हैं, ये तमाम लेक्चर्स जो हम आप लोगों को दे रहे होंगे, ये तमाम के तमाम लेक्चर्स सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो पेरेंट्स हैं वो इस एप्लीकेशन से क्यों इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन। देखिए, जाहिर सी बात है आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि आपकी नॉर्मल ट्यूशन फीस से ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ट्रैफिक में फंसते हुए जाते हो और फंसते हुए जाते हो ट्रैफिक के अंदर, और फिर कभी क्लास लेट हो जाती है, तो फिर क्लास मिस हो जाती है, तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा ईज़ मिल जाएगी कि बच्चे की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं होगी, बच्चा उनके सामने बैठ के पढ़ रहा होगा, बच्चे की प्रोग्रेस उनके सामने होगी, और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए अफोर्डेबल भी होगा इंशाल्लाह। तो फिर बिल्कुल देर ना करो और अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करो IV ऑनलाइन के साथ, एंड आई एम विद यू गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला मसाइल होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्ट। और अगर इस चीज़ को जानने के लिए आप लोगों को मज़ीद कोई डिटेल्स चाहिए हो, तो आपके सामने एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप इसके ऊपर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं IV ऑनलाइन के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.ivonline.co। तो फिर मिलते हैं IV ऑनलाइन।